इस संसार के अंदर इतना प्रेम फंसा हुआ है, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अपने माँ के साथ प्रेम करने लगता है, बहुत प्रेम करता है, कहीं थोड़ी इधर उधर हुई तो रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, माँ माँ कह करके पूरा घर को सिर के ऊपर उठा लेता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, घर से बाहर चलने लगता है, फिर वो अपने पिता को, परिवार को समझने लगता है, फिर उसका प्रेम उसके अंदर हो जाता है कि ये हमारा परिवार है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल के अंदर, विद्यालयों के अंदर जाने लगता है, उसके अपने संगी साथी हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, फिर वो प्रेम उनके अंदर चला जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, शादी हो जाती है, मोह के अंदर पड़ जाता है, फिर वो प्रेम उस तरफ चला जाता है। ये प्रेम देखो कितनी अद्भुत चीज़ है, कहाँ से शुरू होता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसको समझ आने लगती है, धर्म की बातें भी समझ में आने लगती हैं, मज़हब की बातें भी समझ में आने लगती हैं, जाति की बातें भी समझ में आने लगती हैं, और बहुत सी बातें समझ में आने लगती हैं, देश के प्रति, धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, पुस्तकों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, शरीर के प्रति, जो जो समझ में आता है वो करता चला जाता है, और उसका प्रेम उन चीज़ों के अंदर फंस जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके पुत्र पैदा हो जाते हैं, फिर प्रेम उसके अंदर फंस जाता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर और परिवार के अंदर फंस जाता है। तो ये जो सांसारिक प्रेम है, ये आप ये मत समझो कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये भी मत समझो कि ये आप लोगों ने पैदा किया है, आप ये भी मत समझो कि ये मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं कम करता हूँ, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। लेकिन जब तक आप परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे, ये प्रेम आपके काम आने वाला नहीं है। कोई सोचे मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेम है, मैं तो बहुत जल्दी परमात्मा तक पहुँच जाऊँगा, नहीं, ये संसार का प्रेम है। जिस प्रकार से आपके पास कुछ पैसे रखे हों, कुछ सिक्के रखे हों, आप सिक्कों को नहीं छोड़ोगे, छुड़वाने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, छटपटाएंगे छटपटाएंगे, लेकिन उन सिक्कों की जगह आपको बहुत से पैसे, ढेर सारे पैसे दे दिए जाएं, आप सिक्कों को फेंक करके उनको उठा लोगे। यही हाल है इस जीव का। बस हमें यही समझना है कि जो ये सांसारिक प्रेम है, ये उन सिक्कों की तरह से है, और जो परमात्मा का प्रेम है, वो उस अनंत अथाह संपत्ति की तरह से है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसका कभी नाश नहीं होगा। हमें यही बात समझनी है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हमें कुछ भी ऊपर उठने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलेगा, और जब तक मार्ग नहीं मिलेगा, चलोगे कैसे, समझोगे कैसे, पहुँचोगे कैसे, कैसे अंदर में जागृति होगी, नहीं होगी। आप ऐसे ही यहीं अटके खड़े रहोगे, छोटे छोटी वस्तुओं के ऊपर, छोटे छोटे रोगों के अंदर, छोटी छोटी समस्याओं के अंदर, छोटे छोटे विचारों के अंदर आप नहीं निकल पाओगे। कैसे निकला जाए? साधना के द्वारा। साधना हमारे से हो नहीं रही तो कैसे रास्ता हो? कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये बोल दो कि साधना करते हो कि नहीं जी, कोई काम करते हो कि नहीं, कुछ कर सकते हो नहीं, कि घर में कोई काम करते हो नहीं, तो क्या करते हो? बस गुरुजी, मेरा तो लेटे लेटे ही दिन पूरा हो जाता है। क्या ये साधना के लक्षण हैं? क्या ये मंजिल तक पहुंचने के लक्षण हैं? क्या आप उस तक पहुंच पाओगे? क्या ये श्रद्धा है आपके अंदर? क्या यही ताकत है आपके प्रेम की? क्योंकि ये मन बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको एक बार लत लग गई तो लग गई। अगर आप इसको भजन की लत लगा देंगे, परमात्मा की लत लगा देंगे, उसके प्रेम की लत लगा देंगे, ये उस ओर भाग लेगा। जब ये उस ओर भाग लेगा, फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा।